इसको शुक्र गरम हो के इधर चाय में जा रहा है ये देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आपका भाई लेके आ चुका है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टी ब्लॉग यानी कि चाय वाला ब्लॉग। जी हां दोस्तों, ठंडी का मौसम आ गया और अब बिना चाय का भाई दिन चलने वाला ही नहीं है भाई। दिन में दो तीन कप तो चाय चाहिए। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि ठंडे के मौसम में बाहर जाके चाय पीना चाहते हैं, मस्त तंदूरी चाय। तो अभी हमें पता बता दें, सबसे पहले तो हमें बैतालपुर में, ये बैतालपुर चौराहा है देख सकते हैं। और अभी हमारे साथ मुकेश भाई भी, हेलो बोल दीजिए। और अभी हम लोग चाय पीने आए हैं तंदूरी चाय। जी हाँ दोस्तों, बैतालपुर का फेमस तंदूरी चाय। और इसको मैंने एक साल पहले कवर किया था तो बहुत ही छोटा सा दुकान था, पर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया दुकान। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा तंदूरी चाय का मेकिंग कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है सब कुछ। बाकी ये देख लीजिए स्टॉल है पूरा भैया का, इधर कुछ लोग चाय वगैरह अभी पी रहे हैं तंदूरी चाय। और ये बनता कैसे है ये देखिए, चुपकड़ है जो कि बहुत ज़्यादा धाम आ रहा है, कोयला पे पूरा पकता है, मस्त गर्म हो जाता है। और ये देख सकते हैं पूरा रेड हो गया है एकदम गर्म गर्म होके, काफ़ी तेज़ जो है धाम आ रहा है। और इधर बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी है पूरा देख सकते हैं। आपको तंदूरी चाय का मेकिंग दिखाते हैं, इधर से जो है भट्टी में अपना जो चुक्कड़, क्या बोलते हैं भैया, चुक्कड़ ही बोलते हैं ना इसको, चुक्कड़ गर्म हो के इधर चाय में जा रहा है। ये देखिए क्या उछाल मार रहा है। अच्छा कई जगह भैया एक ही चुक्कड़ में वो लोग गर्म करके डालते हैं, पर यहाँ पे आप कई चुक्कड़ डाले हैं डिमांड की वजह से, ज़्यादा डिमांड रहता है इस वजह से। उधर बंद मक्खन वगैरह सब बन रहा है। देखिए क्या क्या प्राइस रहता है चाय का, 10-15-25। तो भैया हमारे लिए भी दो चाय तंदूरी लगा दीजिए और एक बंद मक्खन। बाकी ये डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, इधर देखिए स्टॉक में चुक्कड़ पड़ा हुआ है। ये देखिए, और आपका जो शॉप है हम एक साल पहले कवर किए थे, देखे थे आप, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था देवरिया में वो वीडियो। लोगों को जानकारी मिल गई कि बैतालपुर में तंदूरी चाय मिल रहा है, क्योंकि उस समय में अपने देवरिया में तंदूरी चाय उतना ट्रेंड नहीं था, अब नहीं मिलता था, लखनऊ वगैरह दिल्ली वगैरह में ही मिलता था। पर उसके बाद से जो है पूरे अपने देवरिया में ट्रेंड आ गया, जब मैंने वो वीडियो डाला कि अपने देवरिया में पहली बार तंदूरी चाय मिल रहा है वो भी बैतालपुर में। और ये चौराहा जो है बैतालपुर का तंदूरी चाय के लिए फेमस हो गया है। जी दोस्तों, पेट्रोल के लिए बैतालपुर तो फेमस ही है, पर ये जो है इंडियन ऑयल के लिए, बाकी एक और चीज़ के लिए फेमस हो चुका है वो है तंदूरी चाय, जो कि यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है क्राउड, जैसे जैसे शाम होते जाएगा यहाँ पे भाई साहब खड़े होने की भी जगह नहीं रहती है, पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लग जाती हैं दूर दूर तक, और लोगों के भीड़ ही भीड़ लग जाता है। तो मुकेश भाई चाय पीने के लिए रेडी है, और वैसे तो मैं हमेशा आते रहता हूँ चाय पीने, लेकिन सोचा कि भाई न्यू अपडेट दे देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अभी न्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर बंद मक्खन वगैरह खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 15-20-25 ऐसे। बाकी यहाँ पे अभी मुझे एक और चीज़ दिख रही है जो कि है पेटीज दिख रहा है, पेटीज वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। आइए और मस्त तंदूरी चाय पीजिए, हमने ऑर्डर दे दिया है, आता है तो फिर आपको टेस्ट करके बता। तो फाइनली दोस्तों अपना जो है तंदूरी चाय एकदम गर्मा गर्म, ये देखिए मिट्टी के कुल्हड़ में आ चुका है। और साथ में हमने लिया है ये बंद जो कि अमूल बटर वाला बंद है, और देख सकते हैं अंदर पूरा एकदम बटर भर भर के डाला हुआ है। और पहले जो है हम लोग बटर को ऐसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है, और मीठा चेरी वाला जो है ब्रेड है बंद है, उसको चाय से ट्राई करते हैं, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। चाय का जो टेस्ट है ना भाई एकदम गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए पूरा झाग है, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये देखिए पूरा एकदम गाढ़ा झाग है एकदम कॉफ़ी की तरह, और इसमें इलायची वगैरह डाला हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से। चाय का टेस्ट भाई इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि देख सकते हैं इधर पूरा क्राउड है, अंदर भी पूरा क्राउड, एक बार दिखाइए इधर, इधर दिखाइए अंदर, अंदर साइड में पूरा घर घर के पूरा क्राउड है चाय पीने के लिए भाई। यहाँ पे बैतालपुर में लोग दूर दूर से आते हैं, और मैं एक साल पहले यहाँ का वीडियो कवर किया था जो कि एकदम नॉर्मल सा दुकान था, अब इस समय यह दुकान जो है पूरे देवरिया में एकदम ट्रेंड कर रहा है, दूर दूर से लोग सिर्फ तंदूरी चाय पीने आ रहे हैं। और भाई अब जाड़े का मौसम आ गया तो चाय पीना तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ बाहर जाके चाय पीने का अलग ही मज़ा है ठंडे में, इसीलिए हमारे साथ है मुकेश भाई। मुकेश भाई आप भी पीजिए और बताइए टेस्ट हमारी जनता को।
ठीक है ना, काफी ज्यादा गाढ़ा रहता है ना, इस वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली तो हमने तंदूरी चाय पी लिया और भाई साहब यहाँ का चाय तो भाई एक नंबर लगता है। एक साल पहले भी मैंने पिया था तो एकदम मस्त लगा था, और इस बार भी मैं पिया तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। उनके साथ आपको कैसा लगा, थोड़ा सा जानकारी ले। तो भैया कितने लीटर दूध का खपत हो जाता है एक दिन में? 80 लीटर। तो ये आप लोग नॉर्मल ग्वाला से लेते हैं या पाउच वाला? पाउच वाला यूज करते हैं तो काफी ज्यादा हाइजीनिक रहता है, अच्छा रहता है, बड़ा रहता है। चलिए भैया थैंक यू, फिर मिलते हैं। कुछ अपना ब्रांच वगैरह नया भी खोल रहे हैं क्या? आगे जाके यहाँ से 150 मीटर आगे। अच्छा, 150 मीटर यहाँ से आगे एक और ब्रांच खुल रहा है भैया का। तो आप लोग बैतालपुर आएंगे तो बैतालपुर दो चीज के लिए फेमस हो चुका है, एक तो पेट्रोल, एक तो आपका तंदूरी चाय। तो भाई बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे पीने आते हैं चाय, तो आप लोग भी आइए और पीजिए। अगर आप लोग अभी तक तंदूरी चाय पीने यहाँ नहीं आए हैं तो भाई एक बार पी के देखिए, भाई साहब मेरे कहने पे बहुत ही टेस्टी चाय है, और साथ बंद भी लीजिए, एक नंबर भाई, पूरा एकदम ना बटर में एकदम डुबो के आपको दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और हमने भी खाया, कैसा लगा मुकेश भाई? बटर बंद मस्त लगा ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार, वीडियो को लाइक करिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अपने भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में लाते रहूँगा आप लोग के लिए। तो